काटोल क्षेत्र के विधायक अनिल देशमुख और शेखापुर नेता राहुल देशमुख ने पहल की और काटोल शहर में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों को स्वामित्व पट्टा देने के संबंध में समीक्षा बैठकें की। इसके बाद पट्टा आवंटन को लेकर कार्यवाही शुरू की गई, लेकिन बीजेपी नेताओं ने जमीन वितरण का सरकारी कार्यक्रम लेकर बड़े बड़े वादे किए। इस कार्यक्रम के बाद भाजपा युग के राजनीतिक दबाव के कारण शेष पट्टों के आवंटन की फाइल 7 माह से धूल में पड़ी है। पूर्व गृह मंत्री विधायक अनिल देशमुख ने आरोप लगाया है कि काटोल वितरण को लेकर भाजपा नेता दोहरी भूमिका निभा रहे हैं, दूसरों के काम का श्रेय ले रहे हैं और नागरिकों को परेशान कर रहे हैं। अनिल देशमुख और राहुल देशमुख ने पहल करते हुए काटोल शहर के सरकारी जमीन पर अतिक्रमण धारकों को उनका मालिकाना हक दिलाने की मुहिम शुरू की थी। इस संबंध में उन्होंने नागरिकों को नगर निगम में बुलाया और पट्टा आवंटन के संबंध में बैठकें कर दस्तावेज तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की। साथ ही अनिल देशमुख ने भूमापन अधिकारी को बुलाकर घर की नाप जोख करने को कहा। इस संबंध में इस क्षेत्र के विधायक अनिल देशमुख ने जमीन वितरण का कार्यक्रम भी आयोजित किया, लेकिन इस कार्यक्रम को लेने के संबंध में उप मुख्यमंत्री और नागपुर जिले के संरक्षक मंत्री देवेंद्र फडणवीस के कार्यालय से देवेंद्र फडणवीस द्वारा एक पत्र दिया गया था। इसके बाद फडणवीस की मौजूदगी में एक कार्यक्रम हुआ और 2 लोगों को बांटे गए। इस समय भाजपा नेताओं ने वादा किया था कि बेल्ट के साथ मकान भी देंगे। यह कार्यक्रम 7 माह से चल रहा है, लेकिन अन्य नागरिकों को पट्टे क्यों वितरित नहीं किए गए, ऐसा सवाल अनिल देशमुख ने पेश किया है। अनिल देशमुख नागरिकों को लेकर सीधे नगर परिषद कार्यालय पहुंचे, क्योंकि भाजपा नेताओं के आश्वासन के बावजूद पट्टे आवंटित करने में 7 महीने की देरी हो गई थी। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री से पूछा कि पट्टा आवंटन में देरी क्यों हो रही है। इस पर उन्होंने गोलमोल जवाब दिए। जब मैंने पट्टा आवंटन की सभी फाइलें लाने को कहा तो उन्होंने कहा कि कुछ फाइलें उप विभाग के अधिकारी काटोल के पास है और कुछ फाइलें मेरे पास है, इसलिए अपनी फाइल लाकर जिन्हें नियमानुसार लाइसेंस दिया जा सकता है और जिनके दस्तावेज पूरे हैं उन्हें अभी लाइसेंस देने के लिए कहा गया है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने 57 फाइलें मंगाई और कहा कि इन्हें पट्टे आवंटन किए जा सकते हैं। इसके बाद नागरिक अनिल देशमुख और राहुल देशमुख द्वारा जमीन का वितरण किया गया। अनिल देशमुख ने उन लोगों से भी अपील की जिनके दस्तावेज अपर्याप्त है, उन्हें जल्द से जल्द पूरा करें। अनिल देशमुख ने काटोल के उप विभागीय अधिकारी को उनके पास लंबित फाइलों को तुरंत मंजूरी देने का भी आदेश दिया। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट। I want the best of both worlds, like electric and petrol. I'm a hybrid just like you, and it's high time we met. Introducing the Toyota Urban Cruiser Highrider, the self-charging hybrid electric SUV.